दोस्तों, अगर आप एयरटेल की सिम यूज करते हैं और आपके एयरटेल की सिम में अचानक से नेटवर्क चला गया है, आपके फोन में एयरटेल की सिम में नेटवर्क नहीं आ रहा है, आपके फैमिली में आपके फ्रेंड वगैरह के मोबाइल में नेटवर्क आ रहा है लेकिन सिर्फ आपके मोबाइल में एयरटेल का नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरह से सोल्व कर सकते हैं उसी का प्रोसेस आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि एयरटेल की नेटवर्क प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व किया जाता है तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे, आपके फ्रेंड के एयरटेल की सिम में नेटवर्क आ रहा है, आपके फैमिली मेंबर के एयरटेल की सिम में नेटवर्क आ रहा है लेकिन सिर्फ आपके मोबाइल में एयरटेल की सिम में नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो चलिए वन बाई वन करके उन स्टेप्स को जान लेते हैं। तो सबसे पहली स्टेप तो आपको ये करनी है दोस्तों कि आपको अपने कंट्रोल पैनल को ओपन करना है और कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जो फ्लाइट मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है इसको आपको ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर 10 सेकंड वेट करना है और उसके बाद फिर से आपको अपने फ्लाइट मोड को ऑफ कर देना है और इसके बाद आपको चेक करना है कि आपके एयरटेल की सिम में नेटवर्क आए हैं या नहीं आए हैं। अगर इस स्टेप को फॉलो करने के बाद भी आपके एयरटेल की सिम में नेटवर्क नहीं आ रहा है तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करनी है। तो इसके बाद आपको चले जाना अपने मोबाइल की सेटिंग में। मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नेटवर्क की सेटिंग में जाना है। तो यहाँ पर मैं रेडमी का फोन यूज करता हूँ तो यहाँ पर सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क के नाम से ऑप्शन मुझे देखने को मिल रहा है। आप अगर किसी और ब्रांड का फोन यूज करते हैं तो आपको मोर सेटिंग में जाकर भी आपकी नेटवर्क सेटिंग मिल सकती है। आपको कुल मिलाकर अपने नेटवर्क सेटिंग को ओपन कर लेना है। नेटवर्क सेटिंग को ओपन करने के बाद ऊपर की साइड आप जो दो सिम यूज करते हैं वो दोनों आपको इस तरह से देखने को मिल जाएंगे और अगर आप सिर्फ एक सिम यूज करते हैं तो आपको एक सिम देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको अपनी एयरटेल की सिम को सिलेक्ट कर लेना और उसको ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद सबसे पहले तो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि फर्स्ट नंबर पर आपको जो टर्न ऑन का बटन देखने को मिल रहा है ये गलती से आपका डिसेबल तो नहीं हो गया। अगर आपका ये ऑफ हो गया होगा तो भी आपकी एयरटेल की सिम में नेटवर्क नहीं आएंगे क्योंकि आपने अपनी सिम को गलती से ऑफ कर दिया। आपके फोन में गलती से ऑफ हो गया तो इसको आप ऑन कर दीजिए। जैसे आप इसको ऑन करेंगे आपके एयरटेल की सिम में नेटवर्क आ जाएंगे। लेकिन अगर आपका ये ऑन है फिर भी आपके एयरटेल की सिम में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो चलिए नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए आपको नीचे की साइड जो एक्सेस पॉइंट का ऑप्शन मिलता है इस पे जाना है और इस पे जाने के बाद यहां पर आपको नीचे की साइड रिसेट का बटन मिलता है, आपको सिंपली एक बार रिसेट पर टैप कर देना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो आपकी एपीएन सेटिंग यहां पर रिसेट हो जाएगी और अगर एपीएन सेटिंग की वजह से आपके नेटवर्क में कोई इश्यू आ रहा होगा तो वो आपका सोल्व हो जाएगा और आपके एयरटेल की सिम में नेटवर्क आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये होगा मेरी तीसरी स्टेप। अगर इस स्टेप को फॉलो करने के बाद भी आपकी एयरटेल की सिम में नेटवर्क नहीं आ रहे तो उसके बाद आपको चले जाना है यहाँ पे प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप में और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि आपका ये प्रीफर LTE पे सिलेक्ट होना चाहिए। कभी क्या होता है दोस्तों कि हम जल्दबाजी में अपनी सेटिंग को ओपन करते हैं तो गलती से 2G 3G पे सिलेक्ट हो जाता है। तो अगर आपके फोन में भी कुछ इस तरह का हो गया होगा तो भी आपकी एयरटेल की सिम में नेटवर्क का इशू आ सकता है, इसलिए आपको चेक कर लेना है। अगर गलती से आपका 3G या 2G पे सिलेक्ट हो गया है तो आपको इसको यहाँ से LTE पे सिलेक्ट कर लेना है। ये हमारी फोर्थ स्टेप हो चुकी है। अब इसके बाद अगर अभी भी आपका नेटवर्क नहीं आ रहा तो आपको एक काम और करके देख लेना है। यहाँ पर नीचे की साइड आप देख सकते हैं आपको यूज वोल्टी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर आपके में गलती से डिसेबल हो गया तो आपको इसको यहाँ से एक बार एनेबल कर देना है। अब ये जितनी भी स्टेप मैंने आपको बताई दोस्तों, अगर इन सबको आपने फॉलो कर लिया भी आपका नेटवर्क नहीं आ रहा तो इन सब स्टेप को फॉलो करने के बाद आपको ऐसे बेक ले लेने के बाद अपने फोन को एक बार आपको रिस्टार्ट कर लेना है। बस दोस्तों, जैसे आप रिस्टार्ट करेंगे तो आपके एयरटेल की सिम में नेटवर्क आना स्टार्ट हो जाएगा। इतना करने के बाद भी आपके सिम में नेटवर्क नहीं आते हैं तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। आपको अपने मोबाइल के सिम स्लॉट को ओपन करना है, उसमें से सिम को बाहर निकालना है और सिम को पूरी तरह से साफ करना है। हो सकता है उस पर कार्बन वगैरह आ गया हो और कार्बन साफ करने के बाद फिर से अपने स्लॉट में लगाना, फिर से अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन कर लेना है। बस दोस्तों, जितने स्टेप मैंने आपको बताया इनको इसी तरह से फॉलो करते हैं तो 100% आपकी एयरटेल की सिम की नेटवर्क प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रोसेस ठीक से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।